4. Sculpture or Architecture of Gujarat Sir Sidney Colvin Murtikala Kala ki Kala mein Nakkashi, Modeling, ya Welding Plastic ya Hard Samagriyo Dwara Prasanskaran ki Kala ya Kala ki Kriya hai. एक मूर्तिकला तो कला द्वारा निर्मित कार्य प्रतिमा के रूप में के तीन मुख्य आयाम मूर्तिकला लंबाई चौड़ाई और गहराई है. मूर्तिकला प्रमुख रूप से मिट्टी धातु या यहाँ तक पत्थरों से बनाई गई है. आज की पीढ़ी में हम मूर्तिकार को विभिन्न प्रकार की नक्काशी करते हुए देख सकते हैं. विभिन्न चीजों से मूर्तियाँ दो प्रकार की होती हैं. एक राहत में मूर्तिकला और दो गोल में मूर्तिकला. एक राहत में मूर्तिकला. एक राहत एक शिल्प कला है जिसमें शीर्ष स्तर का हिस्सा सपाट है और केवल सामने का हिस्सा नक्काशी द्वारा आकार का है. इसे राहत में मूर्तिकला के रूप में जाना जाता है. दीवार पर या पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां राहत में मूर्तिकला का एक उदाहरण है. दो गोल में मूर्तिकला. इस प्रकार की मूर्तिकला में आंकड़े पूरी तरह से थ्रीडीमेटिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और एक सपाट पृष्ठभूमि से जुड़े नहीं होते हैं. चारों तरफ नक्काशी की गई है. इस प्रकार को दौर में मूर्तिकला के रूप में जाना जाता है. इस तरह की मूर्तिकला की लंबाई चौड़ाई और गहराई में हमें तीन डी कल्पना देने के लिए ध्यान में रखा गया है. आप विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियां शहर में या सार्वजनिक स्थान पर मौजूद प्रतिमाएं बना सकते हैं, जिन्हें घेर लिया जा सकता है या इसके चारों ओर घूमना गोल में मूर्तिकला के उदाहरण है. गुजरात में पाया जाने वाला स्थापत्य कार्य और मूर्तिकला इसकी ललित कलाओं की एक अमूल्य धरोहर है. गुजरात में वास्तुकला के काम जो हिंदू और मुस्लिम शैली की वास्तुकला के संयोजन में है, उन्होंने गुजरात के कई पर्यटकों को आकर्षित किया है. पुराने राजाओं की अवधि के दौरान वडनगर में ग्लोरी के रुद्र महलिया शून्य एफ सिद्धपुराक अदलज का सटेप वेल काफी है. कांकरिया झील सिदी सैयद और शेकिंग मीनारों की मस्जिद में जंगला अहमदाबाद में पाए जाने वाले वास्तुकला के प्रसिद्ध कामों में से कुछ हैं. इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.